बोलते हैं, कहाँ थे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टार्ट किया था, एक टॉपिक है उसको लिख लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये छूट गया था। ठीक है, पहले लिख लीजिए फिर मैं बताऊँगा कि आप लोग को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये वाला प्रिंसिपल सही है, वो वाला प्रिंसिपल मत लिख देना, मैं नीचे फादर के पास जा रहा हूं। इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट द पाथ ऑफ लाइट, द पाथ ऑफ लाइट इज रिवर्सिबल। बस इतना ऐसा स्टेटमेंट है। हमने पहले लगा दिया तुम। दिस इज अ नॉर्मल डायग्राम फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा ना यही पढ़ा था हम लोगों ने। अब इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उल्टा नहीं करते, यहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं सेकेंड मीडियम में, सच दैट द लाइट रे फॉल्स ऑन द मिरर एट 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलरली उस पर गिरे। अब पहली बात तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पर 90 डिग्री पे आती है तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या व्हाट पाथ विल इट फॉलो, किधर जाएगी, वापस तो जाएगी किधर, ऑन द सेम पाथ, जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी। हमें क्या चेक करना है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब जैसे जैसे लाइट आई है क्या बिल्कुल उसी पाथ को ट्रेस करेगी, वापस रीट्रेस करेगी। तो देखो सेम मीडियम में तो ये काम होता है, ये तो हमें पता है कि मिरर पर 90 डिग्री पे गिरी और सेम मीडियम में है, जैसे एयर में है यहाँ पर रखा, लाइट अगर आई तो 90 डिग्री पे ऑब्वियसली वापस जाएगी। लेकिन इट्स नॉट श्योर कि जब मीडियम चेंज होगा तो भी वही पाथ ट्रेस करे, बट एक्चुअली हुआ ऐसा कि यहाँ पर 90 डिग्री पे रखने पे लाइट बिल्कुल वही पाथ रिट्रेस करती है। ठीक है, आगे बसन में सेम पाथ रिट्रेस करेगी, ऐसा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई तो जैसे आई थी ना, अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, दिस विल बिकम द इंसिडेंट रे एंड नाउ दिस विल बिकम द रिफ्रैक्टेड रे। इधर से देखें तो इंसिडेंट ये है, रिफ्लेक्टेड ये है, बट वापस मिरर लगाने पे जब यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा then this will become the incident ray and this will become the refracted ray. ये क्या है, angle of incidence and this will become angle of reflection. ठीक है, अब देखिए इसके basis पे एक formula बनता है। ठीक है, formula क्या बनता है, यहाँ से ध्यान से देखिए, इसको मान लेते हैं ये कौन सा medium है, one, and we assume this to be the medium two. अब इसके हिसाब से अगर हम लोग refractive index निकाले, अगर आप लोग को याद हो इसका मतलब क्या, याद है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हम लोग, टू का रिस्पेक्ट टू वन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं आप लोग, कौन कौन से, वेलोसिटी वाला, विदाउट वेलोसिटी वाला, कौन सा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वेलोसिटी तो आ रही है, चाहे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हो या किसी मीडियम में घूम फिर के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पहले से पता होना चाहिए। इसके अलावा एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद है तो याद रखना, आप इस तरह और भी फॉर्मूले पढ़ोगे। This was the first formula that I have taught you. ठीक है? Sin I upon sin R. यहाँ पर light first medium से second medium में travel कर रही है. So यहाँ पर formula क्या होता है? If you calculate the refractive index of the second medium with respect to the first one, so यहाँ से क्या हो जाएगा? Sin of angle of incidence in the first medium upon sin of angle of incidence in the second medium.
ये हो गया ओरिजिनल पाथ, जब लाइट रे यहाँ से आ रही है इस मीडियम में जा रही है, फिर हम लोग ने क्या लगाया मिरर, मिरर से ये उल्टा जाएगी। अब अगर उल्टा कर दे इसको, ये पाथ रिट्रेस कर देंगे ना, तो इधर से जाएंगे तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आर, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आर। ये तो हम लोग एक अल्पो वो रखा ना, लेकिन एक्चुअली क्या बिहेव कर रहा, नाउ इट इज बिहेविंग एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आर, आई है ना, श्योर। अब एक काम कर लीजिए भाई, क्या करिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वन इंटू टू कर दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट क्या है वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन इक्वल्स टू, क्या होगा, कुछ हो रहा है, काट दो फिर जो कर रहा है तो तुरंत काट दो। अब क्या बन जाएगा ये, इसमें वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन, इसमें कुछ नहीं होगा, इक्वल्स टू वन लिख देंगे, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, नाउ वी कैन राइट इट एज वन म्यू टू इक्वल्स टू वन अपॉन टू म्यू वन। देखो इसी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यही एक्सप्रेस कर रहा है, दैट मीन्स अगर हमें किसी मीडियम का रिवर्सिबिलिटी उल्टा हो गया ना, देखो रिवर्स तो कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो हमें दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, यही तो कह रहा है इस एक्सप्रेशन को समझो, 1 mu 2 का मतलब क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2 mu 1, ठीक है। दैट मींस अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन, और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, कुछ नहीं रेसिप्रोकल करो, खत्म, आंसर आ गया। हाउ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ज्यादा कर लेने का वेलोसिटी निकालने है, फिर डिवाइड करने बट कुछ नहीं, ये क्या लिखा है, अरे मतलब म्यू मतलब 1 म्यू 2 लिखा है इनटू 2 म्यू 1 लिखा है, एक को लिख दिया बस, ठीक है, समझ में आया, श्योर, किसी को डाउट, सर 1 म्यू 2 से निकले ला सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इसको ले जाओ इसको ले जाओ, तुम्हारा मन है जो अच्छा लगे, बात तो वही होगी ना, ठीक है, बस ये कि अच्छा लगता है 1 से स्टार्ट किया, ऑर्डर फॉलो अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी को कुछ जानकारी, कोई किसी प्रकार की कोई खबर कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, कम ऑन, तो बताएगा मुझे, स्पीड में तो डायरेक्टली पता ही है इसके, और सोचो क्या एक्चुअल फैक्टर है, स्पीड क्यों चेंज होगी, डेंसिटी, बिल्कुल पहला फैक्टर हो गया डेंसिटी, दूसरा बताओ भाई व्हाट शुड बी द नेक्स्ट फैक्टर, सो जब डेंसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, ऑब्वियसली, तो वो तो डेंसिटी वाला हो गया ना, कि डेंसिटी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन क्या है, वेलोसिटी तो आप लोग वो सॉरी चेंज इन पाथ पढ़ाई कि वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या पढ़ा, v1 / v2, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी में चेंज आया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होना ही होना है, ये तो गया फर्स्ट पार्ट, ये तो मतलब पहला फैक्टर में पता चल गया कि द वन ऑफ द फैक्टर्स इज डेंसिटी, दूसरा कोई फैक्टर, मास, मास से क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइट की स्पीड पे, मीडियम का मतलब क्या हुआ, मीडियम किस बेसिस पे चेंज होता है, खत्म हो गई बात वही, और अभी तक एक ही फैक्टर पे हम लोग, थोड़ी अकल लगाओ, कुछ अलग सोचिए, कुछ कम ऑन, कलर, कलर का किससे रिलेशन है पता है आप लोगों को, कहीं पढ़ लिया जल्दी से,
किसमें? स्नेल्स लॉ में। ओके, कलर एक्चुअली डिनोट करता है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है ये भी बताता हूँ। एक फैक्टर और है, बताओ। चलो हम बताना स्टार्ट करते हैं, शायद आप लोग को आ जाए। तो पहले फैक्टर पे आ जाए, तो पहला फैक्टर क्या है? डेंसिटी। तो सिर्फ हमें ये जानना नहीं है कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हमें ये भी जानना है कि कैसे डिपेंड करता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा डेंसिटी पे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर डेंसिटी में कोई चेंज लाएंगे तो किस में चेंज आता है? वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, और वेलोसिटी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन कैसा है? अब सबसे पहले आते हैं हम लोग, बात किसकी करेंगे? सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, क्योंकि हमें एक वेलोसिटी को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना, एक मीडियम को तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं जनरल, सो वी ऑलवेज टॉक विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। जैसे हम लोग ने बोला कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बोला नहीं मैंने, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट है कि इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास की बात करें, किसी की भी बात करें, ठीक है, इट विल बी ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एयर। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब जरा ध्यान से देखो, पहले समझो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वी। मीडियम में वेलोसिटी कौन सी है? ये वाली है, ये वाली नीचे। सो इनवर्स, नीचे वाले वेलोसिटी चेंज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। दैट मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी अगर उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और लाइट की वेलोसिटी अगर कम हो गई तो बढ़ जाएगा। अब ये देखो, वेलोसिटी के कम ज्यादा होने की बात हम लोगों ने करी, अब इसके बाद करते हैं कि कब कब कम होगी और कब ज्यादा होगी। तो बताइए भाई, और हमको किससे रिलेट करना है इसको? डेंसिटी से। तो जरा याद करिए भाई, वेलोसिटी कब बढ़ती है? डेंसिटी कम होने पे या ज्यादा होने पे? कम होने पे। डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और अगर डेंसिटी तो मतलब डेंसिटी और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है? इनवर्स है ना, डेंसिटी बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम होगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सचेंज कर दिया, मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, और डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है वेलोसिटी? अगेन इनवर्सली। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी आ सकते थे, ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और क्या बोलते हैं इसको, डेंसिटी। याद है ना, ये सिंबल डेंसिटी का है। यस सर। इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। रो तो विज्ञान में यूज होता है, हमने तो ये भी इनवर्स, ये भी इनवर्स, इसका मतलब बिल्कुल। मतलब अगर किसी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये सब कहानी लिख लीजिए वहीं पे, और एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? हाउ विल यू राइट इट इन स्टेटमेंट कि डेंसिटी पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है? बस ये लिख दो डायरेक्टली, ये तो यहां तक पता चल रहा है। और क्या लिखोगे? अच्छे से एक्सप्लेन करके एक लाइन में लिखेंगे। अच्छा, तुम दो ही लाइन बता दो। वही सर जो आपने बताया उसी को लिख देंगे। तो वही जो है तो बताओ तो मैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की जगह नहीं बता पाएंगे। लिख दीजिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेस व्हेन इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। लिख लीजिए या पूरा लिख लीजिए, एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस when the density decreases। direct है ना,
इसको अंग्रेजी में लिखना है कि जब डेंसिटी बढ़ती है, नहीं आप हिंदी में बोल रहे हो, लिख गया तो छूट गया मुझे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल इंक्रीजेस इफ द डेंसिटी इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इफ द डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है,